गुंडरदेही नगरी क्षेत्र में एसडीओपी दिनेश कुमार सिन्हा, तहसीलदार अश्विन कुमार पुषाम, गुंडरदेही थाना के टीआई रोहित कुमार मलेकर ने आज 10 बजे से नगर के चौक चौराहों एवं सब्जी बाजार में फ्लैग मार्च कर आम लोगों और व्यापारियों को कोविड-19 के बारे में समझाइश दिया एवं थाना प्रभारी के द्वारा शासन के आदेशानुसार पत्र के अनुसार शहर में मुनादी भी कराई गई। बिना काम के घर से बाहर निकलने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं एसडीओपी दिनेश कुमार सिन्हा ने सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। तहसीलदार अश्विन कुमार कुशाम ने सब्जी विक्रेताओं को सड़क में सब्जी नहीं लगाने की समझाइश दी। वहीं 29 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन में सहयोग करने की भी बात कही। बिना अनुमति के दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई करने, नियम उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। टीआई रोहित कुमार मालेकर ने राज्य शासन व जिला कलेक्टर व जिले के एसपी के निर्देशों का पालन करते हुए लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी भी करवाया। पुलिस व राजस्व की फ्लैग मार्च देकर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीओपी दिनेश कुमार सिन्हा ने लोगों से अपील किया कि इस लॉकडाउन में परिवार को सुरक्षित रखने, सामाजिक दूरी जरूरी है और सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग सभी को करना है ताकि हम सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें।